हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो मेरी वीडियो है वो खिड़की के ऊपर है। खिड़की पे हम क्या क्या प्लांट्स रख सकते हैं और क्या क्या पॉट्स रख सकते हैं उसके ऊपर है। छोटी सी खिड़की है मेरी, है और ये मैं आपको शेयर करूँगी। ये कुछ प्लांट्स रखे हुए मैंने, जैसे ये छोटी सी जगह है यहाँ पर, तो हम इस तरह से छोटी बोतलों में कुछ इस तरह के जेड प्लांट रख सकते हैं और ये इस तरह के छोटे छोटे पॉट रख सकते हैं। जैसे ये पार्लर प्लांट है, ये पॉम वाला, और ये है जैसे ये मनी प्लांट का छोटा वाला, और ये है ये छोटे छोटे पॉट जैसे, और इनको हम हैंग कर सकते हैं खिड़की में अपनी। और कुछ हैंगिंग पॉट्स हैं, कुछ मेरे ये वाले पॉट्स हैं हैंगिंग, ये बास्केट वाले, और कुछ इस तरह के हैंग करने वाले हैं। आजकल तो मार्केट में तरह तरह के पॉट्स आ गए हैं, कैसे भी हम ले सकते हैं, एक से एक आ गया है, लेकिन मेरे तो नॉर्मल है, आप जाके बाय कर सकते हैं। और ये मेरे इसमें एंजॉय पोथोस है, और ये इसमें मैंने हैंग कर रखा, ये इस तरह से ये इसमें यहाँ पे जैसे ये है सगिया इसकी, इस पर हैंग कर सकते हैं कितने भी प्लांट्स हम। और ये मेरा स्वीट वाइन पोटैटो है, और कितना प्यारा लग रहा है और कितना तेज़ी से फैलता है, इसे भी हम लगा सकते हैं, ये बिना धूप के भी चल सकता है। ये जितने प्लांट हैं मेरे ये खिड़की पे, सब बिना धूप वाले हैं, बस थोड़ी सी इनको ब्राइट लाइट चाहिए, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे ये देखना, ये एक ये वाला भी है यहाँ पे, ये मैंने भी पहले भी आपको शो किया हुआ है, ये भी हैंगिंग बास्केट है, और ये बास्केट है, ये हैंगिंग पॉट है, और ये भी हैंगिंग पॉट है, इसमें मनी प्लांट लगाया है, ये वाला, ये पॉइंटेड वाला बहुत प्यारा लगता है, लंबा सा खूब काफ़ी लटका हुआ है। और एक ये है मेरा गोल्डन वाला जो न्यून पोथोस होता है, और एक ये है मेरा सिल्वर वाला जो ये लाइन होती है। इस तरह के मैंने ये पॉट्स लगाए हुए हैं। और एक ये है मेरा एग्लोनीमा, ये भी बहुत सुंदर वैरायटी होती है, कितना कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है इसका। एग्लोनीमा की हालांकि बहुत सारी वैरायटी आती है, और एक ये भी वैरायटी मेरे पास है, और एक नीचे भी है, नीचे भी मैंने पॉट्स लगाए हुए हैं, कितना सुंदर प्यारा सा कलर है। और अगर बाई चांस आपके अगर थोड़ा सा भी धूप 10-15 मिनट आती तो फूल वाले भी आप लगा सकते हैं आसपास की एरिया में अपना, जैसे मैंने ये कुछ लगा रखे हैं, ये लगा रखा है, ये देखो करक्यूमा का लगा रखा है, लिली का, ये मैंने अपना ये देखो सिलोसिया लगा रखा है, ये छोटा सा गुलाब भी लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर 10-15 मिनट धूप आती है, कभी मैं इसको थोड़ा इधर रख देती हूँ फिर धूप में रख देती हूँ। और ये कितने सुंदर सुंदर फ्लावर है देखो, इसके ये बिनका के छोटे छोटे पॉट हैं और छोटे छोटे प्लांट हैं, और ये हाइब्रिड प्लांट है, इन पर कितना सुंदर फूल आया, बहुत सारा फूल आता है, तब से मैं लाई हूँ काफ़ी फूल आ रहे हैं इस पर। ये ऑरेंज कलर का है देखो, कितना प्यारा है, नर्सरी में काफ़ी आ गए, आप अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तरह तरह के। ये कोलियस लगाया है यहाँ पे, कोलियस तो कैसी भी जगह चल जाता है, अगर धूप भी नहीं आती वो तब भी चल जाता है, ये रियो प्लांट है, ये भी चल जाता है बिना धूप के, थोड़ी सी लाइट चाहिए बस इनको, और कुछ भी नहीं। अगर लाइट अच्छी है तो देखो ये प्लांट भी चल जाते हैं, जैसे गुड़हल का है, ये देखो कितना प्यारा फूल है, इसे देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही, तब से ये खिला है मेरे, एक रोज खिली जाता है इस पर, बहुत सुंदर प्लांट है ये। और मैंने कुछ ये मटकी बनाई है, छोटी छोटी मटकियाँ, ये देखो ये मेरी पिछले साल की रखी थी, ये मैंने डेकोरेट किया है, और ये कितनी प्यारी लग रही है, कैसे भी कलर कर दो और कैसे भी आप डिजाइन बना दो वो सुंदर लगती है। ये मैंने इसमें ये टर्टल वाइन है इसमें, और कितनी प्यारी लग रही है, ये भी चल जाती है। और ये इसमें मैंने शीडम रखा है, और ये हबोर्टिया वैरायटी के छोटे छोटे प्लांट हैं मेरे पास, वो मैंने इसमें रख दिया, ये भी कितनी सुंदर है, ये मैंने अपने हाथ से ही बनाई है। और एक ये है इसमें ये वेंडिंग जू रख है इसके अंदर, इसको भी ये बिना धूप के भी चल सकता है, छाया में भी चल जाता है, हल्की सी धूप भी अगर नहीं आती है तो तब भी ये चल जाता है, बिना धूप के भी चल जाता है। और ये रखा है छोटा सा, ये देखो ये सिरम पॉट है, सिरेमिक पॉट, ये कितना अच्छा है सिरेमिक पॉट, छोटा सा प्यारा सा, बहुत सुंदर सुंदर आते हैं सिरेमिक पॉट भी। और इसमें मैंने ये स्नेक प्लांट लगाया छोटा सा, और ये भी बैंडिंग जो है ये बोतल से बनाया मैंने, इसी का ये कटा हुआ ये ऊपर का हिस्सा इसी का है ये, और इसमें ये छोटा सा कैक्टस रखा हुआ,
बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो इसका लुक, ये दोनों तरफ से छोटे छोटे और ये बीच में, कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरा कुछ, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। अभी दिवाली की तो पूरी तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम अभी से करेंगे तो अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। ये देखना, ये कुछ इस तरह से है मेरी विंडो, ऐसी दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये भी टर्टल वाइन है, मैंने चार मटकियाँ सजाई हुई यहाँ पे, और कुछ हैंगिंग पॉट्स हैं और कुछ मेरी बास्केट है इधर उधर रखी हुई दोनों तरफ। कितना प्यारा लग रहा है ये लुक, यहाँ से मैं दिखाती हूँ पूरा लुक कितना प्यारा है। और ये फ्लावर्स पॉट्स है और कुछ कोलियस है, एक सेपरेला है, ये भी कितना प्यारा लगता है, इसे भी आप बाय कर सकते हैं। और एक ये है मेरा, ये खुशबू वाला प्लांट जैस्मिन का, बहुत सुंदर फूल आता है, वाइट कलर का, एकदम प्योर वाइट है ये मेरा। और इसमें ऐसा लगता है बीच में जैसे एक छोटा सा मोती रख दिया हो बीच में, एक येलो कलर का, कितना प्यारा लगता है, बहुत सुंदर है। और ये है एक मेरा, ये है भिनका का, ये रानी कलर का, ये भी हाइब्रिड है छोटा सा। और ये मेरे एग्लो निम्मा, कितने सुंदर। और इसमें भी ये मैं दिखाती हूँ, कॉर्नर में मैंने ये इस तरह से बास्केट तो नहीं, टब रखा है। और ये वाटर लिली है और इसमें कमल भी है, इसे कमल को एक सेपरेट ढूंढा दूंगी मैं, क्योंकि ये काफ़ी भर चुका है। और ये इस तरह कुछ लगाए हुए हैं, और ये फ्लावर प्लांट भी है इसमें, और वैसे भी है, सो प्लांट भी है। और ये दो डक ली हुई है मैंने, इसमें ये एग्लोनिमा लगाई हुई है अलग अलग, ये जेबरा वाला है, ये लिपस्टिक वाला जो बोलते हैं वो है, दोनों कलर का अलग अलग है दोनों। और ये इस तरह का कुछ मेरा यहाँ का ये लुक है, ये देखना मैं एक बार पूरा दिखाती हूँ पीछे से, ये इस तरह नीचे का, और ये इस तरह से कुछ ये। और एक खिड़की पे मैंने, छोटी खिड़की पे, यहाँ पे ये छोटी सी खिड़की है, इस पे ये मैंने बास्केट हैंग की हो, इसमें भी है तो बाइन वाली ये प्लांट लगा रखा है, बहुत सुंदर है पत्तियाँ इसकी। और आपको जैसी भी मेरी वीडियो लगे, और आप कमेंट करना, अगर बाय चांस मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।